आलं अपना घाण केली शेत. अबे यार का करू राहिले बे बैठाडा का बे रिकॉर्डिंग चालू करून ठेवली आहे का त्यानं हे सांग ना. हॅलो एवरीबडी, वेलकम बॅक टू अनदर स्ट्रीम. हाय का स्ट्रीम, हॅलो एवरीबडी, वेलकम बॅक टू माय फर्स्ट व्लॉग. अँड मैं घर पे शूट नहीं कर पाया, पता नहीं अभी निकल गया हूँ. सो कहाँ पे निकलूँ, कट. सो गाइज देखते हैं पहला व्लॉग है कैसे जाएगा क्या जाएगा. मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, निकल चुका हूँ पूरी बैग भर के हूँ, सोलो ट्रिप पे हूँ. ओके यार देखते हैं कैसे जा रहा है, पता नहीं बीच बीच में कर पाऊँगा, मुझे कोई भी आइडिया नहीं कुछ भी नहीं. सो देखते हैं क्या होता है. ये देखो गाइस हमारे देश की हरियाली देख रहे हो, देख रहे हो. ओके गाइस ट्रेन देखो आड़ी टेढ़ी हो गई है पूरी, एकदम वाकड़ी दिखड़ी है, तभी चल रही है पता नहीं वैसी. और देख रहा आज पूरा स्टेशन मेरे लिए खाली है, पता है आज मैं आ रहा हूँ तो पूरा पूरा सन्नाटा तो खाली है. मैं जा रहा हूँ, मेरे कंफ्यूज है एक्चुअली कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही मेरी ट्रेन, तो देख रहा हूँ पहले फाइंड आउट कर रहा हूँ, उसके बाद देखते ट्रेन में बैठने मिलते. ओके गाइज तो फाइनली फाइंड आउट किया मैंने हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 18 पे, तो जा रहा हूँ मैं 18 नंबर प्लेटफॉर्म ढूंढने. पता नहीं यहाँ पे कितने प्लेटफॉर्म है, 12, 13, 15, 16, 17, 18 सबसे लास्ट प्लेटफॉर्म पे शायद से हमारी गाड़ी आने वाली है. तो मैं जा रहा हूँ, 2 घंटे पहले ही आ चुका हूँ, क्यों पता है मुझे काफ़ी लफड़ी हो सकती है, पता नहीं यार मैं चलते जल्दी की व्लॉग कर रहा हूँ. ओके गाइस तो थोड़ा नर्वस हूँ, पता नहीं क्या को, बट मुझे आदत नहीं है व्लॉग वगैरह की, बट ट्राई कर रहा हूँ. गाइस प्लीज़ मेरा पहला व्लॉग है, कुछ भी गलती हो तो इग्नोर कर देना प्लीज़. गाइस अभी बज रहे 5:07 और वो बोले थे कि 5:30 को शायद गाड़ी आती है, 7 को निकलती है, बस 5:30 बजे आएगी ना हम अपना डेरा जमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 18 पे, मिलते हैं आपसे, ऐसे मिलते रहना. और मैं इसलिए खुला बोल पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है, पूरा स्टेशन खाली है. ये देखो गाइस पूरा का पूरा खाली पड़ा है, कोई नहीं है हमारी सेवा, उनको पता डीएस वगैरह है, भाग जाओ फोका से डे के बाद. देख रहे हो इस गाड़ी से जा रही है, फुल सामानों के लिए गाड़ी, टेंशन ही नहीं है. ओके गाइस ये रही हमारी सीट, यहाँ पे हम बैठेंगे. ओके गाइस फाइनली दरवाजा ओपन, फुल अंधेरा गाइस, फुल अंधेरा हो रहा है. 46, 47, 48 शायद साइड है ना, तो ये रहा गाइस ये रही हमारी सीट. ठीक है ये सीट यहाँ पे अभी सब बंद है, मैं अभी ओपन करूँगा, मस्त पे उजाला आएगा, एकदम रापचिक माल रहेंगे यहाँ पे, एकदम तड़ी पाड़. वैसे अभी पूरी खाली है ट्रेन, देख सकते हो पूरी ट्रेन खाली है, बस अपने ही राजे जहाँ भी मैं जाता हूँ खाली क्यों रहते पता नहीं, ऐसा लगता है कि पूरा बंद पड़ा है. ओके गाइस तो फाइनली मैं पहुँच गया और शूज़ वूज निकाल के एकदम पैर विल धो के रेडी हूँ, टेंशन नहीं अपना, अबे पूरा काला हो गया. ओके ये रहे गाइस अपने बैकपैक और ये रहे अपने शूज़ प्रॉपर. ओके गाइस उसने कपड़े वपड़े चेंज किए मस्त एकदम कंफर्टेबल, एकदम शर्ट वेल निकाल के टी शर्ट से पहन के, तो अभी हम क्या थे 7 बजे रवाना हो गए, अभी बज रहे 6:30 मतलब 38 हो गए, वैसे 7:05 को निकलेगी, टाइम नहीं होगा. गाइस फाइनली पहुंच गए मैं अपने टारगेट पे. हेलो गाइस तो फाइनली हम पहुंच गए, तो मैं फाइनली पहुंच गया हूँ नागपुर, तो नागपुर का को पूछा हूँ मैं बताता हूँ आपको धीरे धीरे करके, किसी से मिलने आया हूँ आपको भी मिलवाता हूँ. Hey guys!
आलं आपण काम केली शेट. अबे यार का फोन आला बे बैठाला का बे रिकॉर्डिंग चालू करून ठेवली आहे का त्यानं. हे गाइस तो आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ पिछला छोड़ा हुआ व्लॉग. नहीं हे गाइस तो आपको पता है फाइनल पहुंच चुका हूँ नागपुर. तो अबे नल्ले आम्ही स्टेशनला सांगितलं ना नागपूरला पोहोचलोय म्हणून. अबे काय पांचट माणूस आहे रे ओ. अरे मग पहिला व्लॉग आहे इकडे माणूस स्ट्रगल करायचा आहे यार कधीतून घाम फुटून आलाय. हे गाइस आई एम आ गए नागपूर. हे गाइस फाइनली आ गए हम नागपुर. आपको पता ही है स्टेशन जैसे व्लॉग छोड़ा था वो अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं. 7 दिन हो गए मुझे आकाश के घर पे आ गए और इसके घर पे आने के लिए इतना पता नहीं क्या कर रहा था बट कोई स्टेटस नहीं कुछ नहीं मैंने कुछ नहीं डाला था. डायरेक्टली आके किसको बताया नहीं मैं कहाँ पे आ रहा हूँ. तो फाइनली आ गए हो मेरा पहला व्लॉग है सब छोड़ दो. और 7 दिन हो गए मुझे यहाँ पे आ गए बट मैं एक भी दिन व्लॉग शूट नहीं किया पता नहीं हो नहीं रहा था मेरे से. रुको आपको मिलवाता हूँ आकाश से. ये रहा आकाश का एड़ा भाई. ओके गाइस तो अभी मिलने जा रहे हैं आकाश से और हमारे माइक है और यार हमारा आकाश. हेलो एवरीवन वेलकम नमस्ते. अरे बहुत अच्छा सरप्राइज दिया हमारे को ये खोखा सिंह जी हमारे और हम काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते थे. रोल प्ले से हमारी दोस्ती हुई और हम आप काफ़ी अच्छे फ्रेंड हो गए और बहुत बड़ा सरप्राइज दिया मुझे. पहली बार कोई बड़ा इतना बड़ा यूट्यूबर मुझे फेस टू फेस मिलने आया है तो बहुत अच्छा लगा मुझे और थैंक यू सो मच. इसको तो मैं अभी 1-2 महीने नहीं जाने देने वाला हूँ. गाइस 7 दिन हो गए मैं कुछ व्लॉग नहीं शूट किया. थोड़ा बहुत किया तो म्यूजिक से डाल दूंगा देखते अभी देखो हमारी थोड़ा चल रहा है काम. देखो गाइस पूरा स्ट्रीमिंग का काम धंधा चल रहा है और सेटअप भी हो गया इसका अभी देख के वैसे भी कंप्लीट हो गया. और मिलते हैं हम ये स्ट्रीम के बाद गाइस. तब तक के लिए बाय बाय. क्लोज लुक का पिक्चर बनाया जाएगा वाला क्लोज चालू के लिए क्लोज लुक क्यों नहीं ले तुम्हें एकच आता आमचा ये द ये हमें निकल गया बेटा. अबे हां पहले कहां करता है बोला ना काय बोलू तुम्हाला जे बोलायचे ते. हे गाइस फाइनल हमने स्ट्रीम वगैरह बंद किए और दूसरी स्ट्रीम भी किए और हम अभी 2 दिन है शायद से यहाँ पे 2 दिन है आज और कल का दिन है परसों दिन निकल रहे हैं. तो देखते हैं अभी क्या होता है कैसे होता है. बहुत घूमे एकदम आकाश के साथ मजे एकदम धनाधन और क्या हो गया. और ये रहा भाई भाग गया आकाश का भाई भागोड़ा है कैमरे के सामने नहीं आता. आकाश का भाई भागोड़ा है. हेमन हेमन इकड़े ना 2 मिनट. अरे 2 मिनट फक्त 2 मिनट. अरे 2 मिनट ये तो निकल गया. शर्मिला है काफी ज्यादा. शादी करने उसकी 2 दिन के बाद तो सॉरी मतलब 2 महीने के बाद ना. हाँ हेमंत की शादी है 2 महीने के बाद इसलिए वो शर्माता है. उसकी बीबी नाराज ना उससे इसलिए. देखो देख रहे हो देख रहे हो. और मजा आ गया नागपुर में. आकाश के दोस्त एकदम बहुत बढ़िया है. सब जितने दोस्त आ रहे हैं सब लेके घुमा रहे हैं मस्त की मज़ा आ गया. थैंक यू सो मच सबको जो जो आए जो जो मिले सब मज़ा आ गया नागपुर में. आते फिर से देखते तब तक के लिए देखते चलो आगे पता नहीं क्या है चल से शूट है करूँ पक्का नक्के ना करू का पूजा वगैरह कराई ठीक है. आता येईल आपल्याकडे तो हैट मारा मारी नुसती मारा मेरे बा मारला गेला खपला खपला जा एक दोन तीन करा तिकडे.
वो कितनी मारा मारी करते थे याद से मतलब कैसे बोल लो ब्लॉग पे। तो यहाँ पे खोखा सिंह पूरे 9 दिनों के बाद जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर, और ये 10 दिन कर रहा है, ये इसको दिन भी नहीं गिनते आता। तो अभी ये सीधा जाएगा अभी यहाँ से अपने रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन से कौन सी भी ट्रेन दिखेंगी जो प्लेटफॉर्म नंबर पे खड़ी रहेंगी, सीधा वहाँ से बैठ के अभी निकलेगा ये अपने मंजिल की ओर। तो देखते हैं अभी, और ये लाइव तो इंस्टाग्राम पे लाइव आने वाले थे, हम बहुत सारे यानी बहुत कुछ सोचा था, वो लॉकडाउन के कारण हो नहीं पाया। अभी तो 15 अगस्त हो गया और ये सब कुछ बड़े बड़े प्रोग्राम आ गए, इसलिए बहुत कड़ा बंदोबस्त हमारे नागपुर में किया गया था, इसलिए इधर कुछ हम जो हमने सोचे थे वो कुछ भी नहीं कर पाए उसमें से, पर कुछ कुछ खुशियाँ हमने देने की कोशिश किया। अब इसको वो खुशियाँ हजम हुई कि नहीं हुई पता नहीं, पर ये एक नंबर का खोखा सिंह का खोखा सिंह ही रहेगा। चलो तो मिलते हैं अपन सीधा जहाँ मैं जाऊंगा वहां पे, ठीक है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से व्लॉग में। तो अभी बज रहे हैं, घड़ी में आप देख रहे हो करेक्ट 11 यानी 12 बजते आ रहे हैं, 12 बजने वाले कुछ मिनटों में। तो ये खोखा अभी जा रहा है, इसका भी प्लेटफॉर्म हमने टिकट वगैरह बुक कर दिया है, और इसके बाद सीधा जाएगा ये हमारे शिरडी, वहाँ पे साईं बाबा के दर्शन लेने जा रहा है, और वहाँ से सीधा जाएगा अपने घर। और ये गए 10 दिनों से हमारे नागपुर में है, और काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी मज़ा आई, और पूरा नागपुर अक्खा इसने देख चुका है। अभी ये खाना खा रहा है और सीधा यहाँ से निकलेगा रेलवे स्टेशन, इसको लात मार के यहाँ से भगाया जाएगा। और देखते हैं, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लोकेशन पे। तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।
गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय व्लॉग। और ये मेरा पहला व्लॉग था और पता नहीं कैसे हुआ, सब कुछ हो गया और फाइनल एडिटिंग अभी एडिट कर रहा था मैं, तभी मैंने देखा कि एंडिंग बराबर नहीं जा रही थी क्योंकि गाइस थोड़ा इशू हो गया था कि मेरा मैं मोबाइल से शूट कर रहा था और मोबाइल का स्टोरेज फुल हो गया था। फिर मैं जाके आकाश को बोला कि प्लीज़ मोबाइल दे दो प्ले शूट करने के लिए। फिर वो बोला कोई दिक्कत नहीं मैं शूट कर लेता हूँ। उसके थ्रू मैंने शूट कर लिया, आपने देखा ही होगा आकाश के साथ, पता नहीं मैं इतना फास्ट बोल रहा हूँ। ओके गाइस तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो वॉचिंग माई व्लॉग एंड देख रहा हूँ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा है, पता नहीं ऐसे वीडियो शूट करते हुए मुझे पसीना आता ही है। और मैं और गाइस तो मुझे पता नहीं कैसा होगा, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना कि व्लॉग कैसा हुआ, मेरा पहला व्लॉग है। और गाइस ये हमारा गेमिंग चैनल, तो यहाँ पे अगर आप गेम की किड हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट में। और सॉरी यार उस स्ट्रीम का कीड़ा मेरे अंदर ही घुस गया है। ओके गाइस तो मैं काफ़ी जगह वैसे सोलो मतलब काफ़ी जगह ऐसे घूमते रहते हो अकेला ही, तो बट कभी व्लॉग नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मैंने व्लॉग किया है, तो पता नहीं यार काफ़ी गलती हो गई होगी शायद से मैं भी, तो देखते हैं यार नेक्स्ट। मैं वहाँ से नागपुर से शिरडी के लिए निकला था, अब अगर अपने ट्रेन में देखा होगा तो मैं शिरडी के लिए मनमाड़ के लिए जा रहा था, मनमाड़ से शिरडी जा रहा था, तो उसका भी व्लॉग है, उसका भी आने वाला है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना कि ये वाला व्लॉग कैसा रहा, और अगर कुछ चेंजेस कर सकते हो तो मैं एडिटिंग में कर सकता हूँ आगे वाले व्लॉग के, और आगे वो व्लॉग होंगे शायद से। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करना, शेयर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट में, लाइक जरूर कर देना। अरे यार स्ट्रीम का भाड़ में जाओ यार, मुझे नहीं करना स्ट्रीम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर स्ट्रीम में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करना, प्लीज़ पहला व्लॉग था समझा करो प्लीज़।